मैं इस नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये सोच विचार के कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, हमें वैसा लग रहा तो नहीं है, बाकी कांग्रेस भी इससे कम नहीं है, दोनों जन मिलकर ऐसा घोलमाल पब्लिक के साथ और पूरी जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे उसका भुगतान पूरा पब्लिक को ही भरना पड़ रहा है। किसान बेचारे देखो कितने कहां कहां से कर्जा लेके किसान लोग अपने खेती के लिए लेते हैं, आज वो हर इलाके में देखो तो उनका पूरा सूखा, जिधर में देखो तो बाढ़ आ गई, बेमौसम यानी उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि किसान आत्महत्या 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 कर रहे हैं। किसान ही हाल में तो दूसरे बिजनेस वाले कितने बुरे हाल में। सीधे सीधे आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 महीने हो गए कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। विकास तो नहीं है, बस उनको दूसरे देशों से मिलने का रास्ता मिला है, बस वो दूसरे देशों में जा जाके मिल मिल के ऐसी कौन सी योजना ला रहे दूसरे देश में दूसरे देश से कि यहाँ उसका कोई निकाल लग रहा नहीं है। और नरेंद्र मोदी साहब इस देश में उस देश में उस देश में यही चालू है, वो जाते हैं इधर दूसरा डिसीजन, इधर भाजपा सरकार ले लेती, हमारे यहाँ कांग्रेस बिरादरी है, आज कई साल से उनके वो वाला केस रुका हुआ था गौ हत्या का, और गौ हत्या तो बंद थी, अब हमारे यहाँ की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको गौवंश कर दिए। पहले उनके रोजगार के लिए बात नहीं करी, पहला उनका रोजगार क्या रहेगा ये बात नहीं की और उसमें गौवंश कर दिए। आज काश्तकार जो नाकारे बैल है वो किसको बेचेंगे, आज जो दूध देने वाली गाय बांझ हो जाती है वो किसको जाएंगी, ऐसी रोडों पे मरते रहेंगी। इसका बहुत मैंने अभी एक कल मोमिनपुरा जस्टम चौक पे एक कल गाय के एक फोटो खींचा, वो गाय पूरी कोई खाने के लिए उसे कुछ नहीं दे रहा तो वो पन्निया खा के अपना पेट भर रही है, ऐसे हाल कर दिए इन लोगों ने। और वो कुरेश बिरादरी के लिए कोई आज बोले तो 4 से 5 लाख कुरेश बिरादरी बेरोजगार हो गए, आज उनको कोई सोई नहीं है, कोई चांस नहीं है कहीं। वो क्या विधानसभा इलेक्शन बिहार में है, क्या विधानसभा इलेक्शन बिहार का विजय करवाएंगे? ये हिसाब से तो कोई पर भी आप विजय नहीं हो सकते, कोई भी एंगल से नहीं हो सकते। मैंने यहाँ नागपुर विकास आघाड़ी में बैठ के देखा, 3 साल में नागपुर विकास आघाड़ी सभी मिलके पार्टी बनी, यहाँ भी देखे हमने 3 साल तक सब सही रहा, अभी 2 साल से बिल्कुल डामाडोल। अमित शाह ने कहा तो अमित शाह ने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जाते हैं तो मीडिया उनको हाईलाइट करती है, कोई भी देश में राहुल गांधी गया है तो मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही है, नहीं हाईलाइट कर रही है लेकिन उनको पता नहीं है, पता नहीं है वो गुप्त में, वो भी वो कोई ना कोई देशों से मिल रहे होंगे, कोई भी कोई राजकारण कर रहे हैं या कोई कहीं पर उनकी प्रणाली बैठकें चालू होंगी तो उस मुद्दे पे उन लोग भी इधर जा रहे होंगे। पब्लिक के पास में तो कोई सोच नहीं है, इन्होंने एक रास्ता बताए थे सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, अब कितने अच्छे दिन आएंगे हर रोज पेपर में दिख रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है इससे।